हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर का लेक्चर नंबर 4। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि देखो, हमने ये बातें, हमें ये थोड़ी सी पता है कि हमारे अर्थ के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। तो अब वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आई, उसके पीछे का जो थ्योरी है, जो रीज़न है ना, वो क्या है। उसके बाद फिर हम ये भी देखेंगे कि एग्जैक्टली जैसे हमने कहा कि हाँ, लास्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो ये होगा कि बेसिकली हमारे जो अर्थ के जो एलिमेंट्स होते हैं, है ना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए हम ऐसे कौन कौन से एलिमेंट कंसीडर करते हैं। देखो, एलिमेंट कहने का सीन क्या है कि इसके हेल्प से हम अर्थ पे, है ना, हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, एग्जैक्ट हम लोकेशन बता पाते हैं। जैसे कि जो सेलर होते थे, है ना, पुराने समय में, जो नाव चलाने वाले, पानी के जहाज़ में जो पानी की जो जहाज़ चल जो जो चलाने वाले होते थे। तो अब भाई देखो, पहले क्या था, पहले तो गूगल मैप था नहीं, है ना, कि ये गूगल मैप से देख लिया, हाँ ये मेरा नॉर्थ है, ये मेरा साउथ, ऐसा नहीं था, ठीक है। तो हम इस चीज़ को यहाँ से समझने वाले हैं कि किस तरीके से जो लोग, है ना, पहले डायरेक्शन को किस तरीके से फाइंड आउट करते थे, है ना, ठीक है, ओके। तो ये आपका एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें पता चलेंगी, है ना। तो थोड़ा सा आप मेरे को टाइम देना, थोड़ा सा समझना, बहुत अच्छे से समझ में चीज़ों जो है आपको आने वाली है ना, एक्सपेरिमेंटली, मतलब थोड़ा सा हम फील करा करके देखो आपको बताएंगे कि हाँ एग्जैक्टली ऐसा होता था, ओके। और देखो मज़े की बात क्या है, पता है, यहाँ पर आपको एक बात ये पता चलेगी, जैसे आपको ये पता, आपने हिस्ट्री वाली बुक में आपने पढ़ा था कि जो कोलंबस है, है ना, हाँ हाँ कोलंबस, भाई हिस्ट्री की बात कर रहे हैं सर, हाँ हाँ हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। कोलंबस जो है वो इंडिया की खोज के लिए निकला था, बट उसने इंडिया नहीं खोजा, उसने अमेरिका की डिस्कवरी कर दी, आ रही बात में, तो क्यों किया, ठीक है, उसके पीछे का रीज़न हम लोग ये थोड़ा सा अभी समझेंगे, ओके। स्टार्ट किया जाए तो मज़ेदार, कुल मिलाकर के एक मज़ेदार सा ये आपका लेक्चर होने वाला है, ठीक है। इसमें बेसिक से हम थ्योरी के बारे में बात करेंगे, देखो समझते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लो, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। देखो जी, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ की देखो अगर हम बात करें तो बेसिक यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है कि आप ऐसे कुछ हमें एविडेंस दो जिसके बेसिस पे हम ये बता सकें कि जो हमारा अर्थ इटसेल्फ एक्ट एज अ एक ह्यूज मैग्नेटिक बार, है ना, हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो अर्थ है ना वो एक ह्यूज मैग्नेट की तरह वर्क कर रहा है। तो आप इसका कुछ एविडेंस दे सकते हो कि ऐसा हम क्यों बोल पा रहे हैं कि अर्थ हमारा जो है खुद एक बहुत बड़े मैग्नेट की तरह वर्क कर रहा है। देखो, तो बहुत सारे इसके रीज़न हैं, बेसिकली हम दो तीन रीज़न की बात करेंगे। देखो, पहला रीज़न क्या है कि अर्थ इटसेल्फ एक्ट एज अ ह्यूज मैग्नेट, पहला रीज़न देखो क्या है। देखो, अगर आप किसी भी बार मैग्नेट को, है ना, फ्रीली जब आप उसको सस्पेंड करके छोड़ देते हो तो बार मैग्नेट जो क्या होता है वो कुछ देर बाद जो है अपने आप ऑटोमेटिकली जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेता है, होता है ना ऐसा, ठीक है। आप लैब में अगर ये काम अगर किए होगे क्लास 11th में तो आपको ये पता होगा कि जो बार मैग्नेट है वो ऑटोमेटिकली अगर आप उसको किसी धागे से लटका करके ऐसे मान लो छोड़ दिया, ठीक है, सपोज करो कि ये इसकी नॉर्थ डायरेक्शन है, ये इसकी साउथ डायरेक्शन है ना, तो मतलब ये इसका नॉर्थ पोल है इस बार मैग्नेट, मान लो सपोज करो ये आपका ये बार मैग्नेट है और आपने इसको ऐसे लटका करके छोड़ दिया, तो ऑटोमेटिकली ये जो नॉर्थ है ना, ये मतलब ये नॉर्थ वाले डायरेक्शन में जाकर के क्या हो जाएगा, इस तरीके से सेटल हो जाएगा, और जो साउथ वाला है ये साउथ वाले डायरेक्शन में जाकर के सेटल हो जाएगा। अच्छा देखो, यहाँ पे हम ये चीज याद रखने के लिए कर रहे हैं कि हमारा, देखो एग्जैक्टली अभी थोड़ी सी थोड़ी देर में आपको ये पता चलेगा। देखो, हम यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं आपको, हम यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि अगर नॉर्थ डायरेक्शन है ना, ये मान लो हमने कहा कि सर ये हमारे बार मैग्नेट का हमारा ये नॉर्थ डायरेक्शन है, दैट मीन्स ये जो नॉर्थ है ना, नॉर्थ हमारा जो पोल है जिस डायरेक्शन में जा करके स्टॉप होगा उसको हम कहेंगे नॉर्थ पोल, ठीक है, यानी कि अर्थ का इधर हमारा क्या हो गया, नॉर्थ पोल हो गया। और जिस बार मैग्नेट का, मतलब हमने कहा कि जो इसका साउथ पोल है जिस डायरेक्शन में जाकर के स्टॉप होगा हम उसे कहेंगे साउथ पोल, है ना। तो ये हम अपने एजम्पशंस के लिए कर रहे हैं, ठीक है, कि ये जाकर के इधर स्टॉप हुआ तो बार मैग्नेट का एन पोल है ना जिस डायरेक्शन में स्टॉप हुआ हम उस वाले साइड को कहेंगे कि हमारा भाई ये नॉर्थ साइड है और ये इधर वाला हमारा साउथ साइड है, पहली चीज। तो हमारा ये पहला एविडेंस हुआ, ठीक। तो ये पहले आपको प्रॉपर्टी समझ में आई है ना, उनके आपको नोट जो है वो मिल जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। देखो, अब हम बात करते हैं अपने दूसरे प्रॉपर्टी की, भाई ऐसा हम किस बेसिस पे कह पा रहे हैं कि हमारी जो अर्थ है वो एक बहुत बड़ी ह्यूज मैग्नेट है। देखो, दूसरी प्रॉपर्टी क्या देखा गया, मान लो आपने कहा सर मेरे पास कोई एक आयरन पीस था, समझ लो, है ना, नोट्स आपको मिल जाएंगे, आयरन पीस था और हमने इसे क्या किया, हमने इस आयरन पीस को जमीन के अंदर जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इसको जमीन के अंदर रख दिया, ठीक है,
नॉर्थ आउट, कैसे डायरेक्शन में, नॉर्थ आउट, ऐसा नहीं कि मतलब कैसे भी रख दिया, नहीं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आपने इसको क्या किया, जमीन के अंदर रख दिया आपने इस बार, मतलब आपके पास ये जो भी आयरन पीस थी, सॉफ्ट आयरन पीस थी, आपने इसको बाहर निकाला, तो आपने ये देखा कि ये जो हमारी जो भी आयरन पीस है ना, इसके पास खुद मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आ गई, मतलब ये चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगा। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब जैसे कि जिस तरीके से आपने कहा कि अगर मान लो मेरे पास अगर कोई एक मैग्नेट होता है, मान लो ये अगर आपका एक मैग्नेट है, आप इसमें किसी आयरन रॉड को अगर रब्ड करते थे, ठीक है, तो क्या होता था, इस आयरन रॉड के पास भी क्या होती थी, मैग्नेटिज्म वाली प्रॉपर्टी आ जाती थी, ये भी चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगता था, होता था। तो सिमिलरली उसी तरीके से ये जो हमारा सॉफ्ट आयरन पीस था, जो भी हो, है ना, हमने जब इसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जब हमने इसको रखा, कुछ दिन बाद निकालने पर इसके पास भी मैग्नेटिज्म वाली प्रॉपर्टी आ गई। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं भाई कि हाँ, हमारा जो अर्थ है, इटसेल्फ एक्ट एज अ ह्यूज मैग्नेट। बोलो, इतनी बात आ रही समझ में? ये हमारी दूसरी जो है एविडेंस हो गई कि हमारा जो अर्थ है एक्ट करता है एज अ ह्यूज मैग्नेट की तरह। अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, मतलब तीसरे एविडेंस की बात कर लेते हैं, है ना। देखो, तीसरा एविडेंस जो देखो क्या है हमारे पास, देखो अगर हम किसी बार मैग्नेट को लेकर के, मान लो हमने कहा सर मेरे पास अगर सर एक बार मैग्नेट था, ठीक है, ये मान लो एन था, ये एस था, और हमने जो है इनका मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमने क्या किया, ड्रॉ करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो क्या हुआ, हमें एक पॉइंट पर, ठीक है ना, हमारी इस पॉइंट पर जो है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो जाना जो है वो मतलब एंड हो गई, मतलब इस पॉइंट पर आकर के हमारी जो मैग्नेट, मतलब मान लो नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्शन में हमारा ये जो है वो जा रहा है ना। तो हमें एक ऐसा पॉइंट मिला, है ना, जिस पर हमारा जो मैग्नेटिक जो निडल था, जो जिसको हम कंपास कहते हैं, है ना, वो डिफ्लेक्ट करना बंद कर दिया। डिफ्लेक्ट करना बंद क्यों कर दिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है देखो कि कहीं ना कहीं, है ना, ठीक है, ये देखो कहीं ना कहीं, मतलब इसका मतलब क्या है कि देखो हमारे जो अर्थ की जो सरफेस है, उन पूरे सरफेस पर क्या कर रही है, जो हमारी अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो अब इस पॉइंट पर जो है अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो भी आ रही होगी, और इस पॉइंट पर आप इस वाले बार मैग्नेट के थ्रू भी क्या कर रहे हो, जो है लाइन ड्रॉ कर रहे होगे, तो दोनों के इफेक्ट एक दूसरे को क्या कर दिए, कैंसिल आउट कर दिए, तभी तो यहाँ पर आपको क्या मिला, एक न्यूट्रल पॉइंट मिला। तो हमें वर्ड क्या यूज करना है, हमें वर्ड यूज करना है न्यूट्रल पॉइंट। देखो अब ये न्यूट्रल पॉइंट, देखो मान लो अगर आप कहते हो सर कि मान लो अगर ये हमारे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अगर नहीं होती, पता है क्या होता, आप इसके जितने ज्यादा हो जो है ना हो सकते हो आप, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आप लाइन इसके आप बना सकते थे, बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना सकते थे, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो आकर के टर्मिनेट हो गई। टर्मिनेट होने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी फील्ड लाइन थी, है ना, जो इसको अपोज कर दी। अब यहाँ से वो मतलब यहाँ तक आकर के वो क्या हो गई, मतलब दैट इज न्यूट्रल हो गई, अब यहाँ से वो पास हो ही नहीं रही है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, अर्थ की जो है खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड है, आरी भाषा में मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज वो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना रही होगी, और उसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से, है ना, ये यहाँ पे हमें क्या मिला, एक न्यूट्रल पॉइंट मिला। समझ रहे हो, कैसा पॉइंट मिला, न्यूट्रल पॉइंट मिला, आ रही इतनी बात समझ में? तो ये हम तीन बातों के बेसिस पर हम ये बता सकते हैं कि हाँ भाई, हमारी जो अर्थ है वो एक्ट करती है एज अ ह्यूज मैग्नेट की तरह। पहली चीज ये आपको समझ में आया, इसका पीडीएफ है, आप डाउनलोड कर लेना, वहां से आप देख लेना, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। बस यहां से चीजों को समझो और उनको पीडीएफ को देख करके आप वहां से नोट्स को जो है वो लिख लेना बड़े मजे से, ठीक है ना। फिलहाल बताओ, इतनी आपको ये तीन बात समझ में आई कि हम अर्थ को एज अ ह्यूज मैग्नेट क्यों बता रहे हैं। हमने तीन एविडेंस दिए, पहला कि हम अगर किसी भी बार मैग्नेट को एक फ्रीली थ्रेड के थ्रू अगर हम उसको लटका दें, है ना, तो वो जो है हमारे जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ऐसे करके स्टॉप हो जाएगी। तो इसका मतलब है देखो नॉर्थ साउथ, तो देखो नॉर्थ जो मतलब समझ में आ रही मेरी बात, हमने कहा कि सर जो नॉर्थ वाला पोर्शन था वो इस तरफ जाकर के स्टॉप हो गया, वो इधर क्यों नहीं स्टॉप हुआ, तो इसका मतलब कि अर्थ के इस तरफ कहीं ना कहीं मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, या फिर अर्थ के इस तरफ कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग दूसरी तरफ भी एक मैग्नेटिक जो है वो फील्ड है, तो इसलिए तो जाकर के इस ऐसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा करके क्या हो रहा है, स्टॉप हो रहा है। दूसरी चीज़ हमने बताया कि अगर हम किसी सॉफ्ट आयरन पीस को, सॉफ्ट आयरन को हम अगर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जमीन के अंदर क्या कर दें, दबा दें, दफन कर दें, ठीक है, तो आफ्टर कुछ टाइम, मतलब कुछ समय बाद जो है उस पीस के पास जो है एक मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आ जाती है। मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी क्यों आई,
क्योंकि अब भाई ऐसा क्यों हुआ, जैसा कि आप देखते हो, जैसे आपके अगर किसी मैग्नेट से किसी आयरन रॉड को अगर रब्ड करते हो तो उस आयरन में भी क्या हो जाती है, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आ जाती है, तो इस वजह से। और तीसरी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें एक न्यूट्रल पॉइंट मिला, अगर हम किसी बार मैग्नेट को रख करके हम अगर फील्ड लाइन्स ड्रॉ करते हैं तो इस फील्ड लाइन्स की एक लिमिटेशन होगी। लिमिटेशन किसकी वजह से, न्यूट्रल पॉइंट, मतलब कि यहाँ पर आपको कोई भी फील्ड लाइन यहाँ से होकर के नहीं जाएगी। रीजन क्या हुआ कि कहीं ना कहीं अर्थ की एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगी, है ना, जो इसको क्या कर रही होगी, अपोज कर रही होगी। आगे बात समझ में, यहाँ से मान लो अर्थ की एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही होगी यहाँ पे, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा स्ट्रांग था, है ना, बट यहाँ पर जैसे जैसे दूर जाता गया वैसे वैसे ये वीक हो गया। तो वीक हुआ तो इसका मतलब है कि ये अपोज कर गया, समझ रहे हो, है ना। तो यहाँ पर हमें एक न्यूट्रल पॉइंट मिल गया, तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं। ये पहली बात आपको समझ में आई। अब देखो यहाँ से, अब ये बात तो आपको समझ में आई, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट एक चीज़ हमें ये समझना है, ठीक है ना। जैसे हमने ये तो बता दिया कि हाँ भाई हमारी जो अर्थ है वो एक्ट कर रही है एज अ ह्यूज मैग्नेट की तरह। नाउ अब हम एक दूसरे हेडिंग की बात करते हैं, इन चीज़ों को आप अपने कॉपी में लिख लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। देखो समझ लो, बहुत आसान है ये। ना हम बात करते हैं कि अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमें जो मिल रहा है अर्थ का, है ना, हमने ये तो प्रूव कर दिया कि ठीक है अर्थ की क्या है, मतलब अर्थ के पास खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। तो अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की वो आई कहाँ से, ऐसा क्या है अर्थ के पास कि जिसकी वजह से ये जो हमारी अर्थ है वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रही है, ऐसा क्या है ना। तो एक छोटी सी आप और हेडिंग लगाओ, क्या, ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो देखो अब बेसिक कोई एक थ्योरी नहीं है, कई सारी थ्योरीज हैं, है ना, जिनके बेसिस पर ये लोग जो बहुत मतलब बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उन्होंने समझाने की कोशिश करी कि हाँ भाई देखो ये रीज़न है इस वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, ये रीज़न है इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। तो बहुत सारे जो साइंटिस्ट ने अपने अपने जो हैं थ्योरी दी है। अब वो थ्योरी गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है ना। तो कुछ थ्योरी देखो, पहली जो थ्योरी दी गई है ना, जो गिलबर्ट थे, साइंटिस्ट गिलबर्ट थे, उन्होंने कहा कि देखो अर्थ के अंदर क्या है कि बहुत सारे जो हैं जैसे मैग्नेटिक मटेरियल है ना, अर्थ के बहुत अंदर जो है मैग्नेटिक मटेरियल हैं, और उन मैग्नेटिक मटेरियल की वजह से, है ना, मतलब उसके सेंटर, अर्थ के सेंटर पर मैग्नेटिक मटेरियल के होने की वजह से वो एक परमानेंट मैग्नेट क्रिएट कर रहे हैं। क्या क्रिएट कर रहे हैं, क्या क्रिएट कर रहे हैं, परमानेंट मैग्नेट, ये वर्ड थोड़ा सा ध्यान रखो, परमानेंट मैग्नेट ये वो क्रिएट कर रहे हैं। अब बहुत बड़ा परमानेंट मैग्नेट जो है, मतलब आपने उन्होंने कहा कि भाई ये अर्थ है और अर्थ के सेंटर पर जो है एक परमानेंट जो है एक मैग्नेट, मतलब इनके थ्रू, मतलब जो भी हमारे मैग्नेटिक मटेरियल्स है जैसे निकिल है, कोबाल्ट है ना, इन सब की वजह से ये एक परमानेंट मैग्नेट जो है वो क्रिएट कर रहा है। अब इसी बहुत बड़े परमानेंट मैग्नेट की वजह से हमारा ये जो अर्थ है, इस अर्थ के चारों तरफ क्या क्रिएट हो रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। लेकिन इनकी थ्योरी हो गई गलत, सोचो क्यों गलत हो गई होगी। इन्होंने कहा कि भाई कोर पर जो है एक परमानेंट मैग्नेट बन रहा है, तो देखो ऐसा नहीं है। कोर, आप जैसे आपको ही पता है, आपने ये क्लास बहुत ही छोटे वाले भी क्लास में आपने पढ़ा होगा कि देखो कोर पर क्या होता है, कोर पर हमारी कोई भी चीज़ है ना हमेशा लिक्विड फॉर्म में होती है। मतलब कोर जो है ना, अर्थ का जो कोर है ना, वो अभी भी बहुत ज़्यादा हॉट है, सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट है ना, अभी भी हॉट है, ठीक है। तो अब इतना ज़्यादा हॉट है कि वहाँ पर कोई भी हमारा जो मैग्नेटिक मटेरियल है जैसे कि आयरन है, निकिल है, वो सॉलिड स्टेट में रह ही नहीं सकते। तो जब सॉलिड स्टेट में ही नहीं रहेंगे तो फिर वो परमानेंट मैग्नेट कैसे बनाएंगे, तो उनकी ये थ्योरी भी क्या हो गई, गलत हो गई। समझो केवल बात को समझो, ठीक है ना। क्या हुआ, पहले पहले जो उन्होंने, मतलब जो गिलबर्ट है, उन्होंने कहा ठीक है कि भाई हमारे देखो अर्थ के अंदर जो है क्या है, कुछ हमारे मैग्नेटिक मटेरियल है जैसे कि निकिल है, कोबाल्ट है, ये सब सारी चीज़ें हैं। अब वो सारी के सारे जो है मिल करके एक हमारा जो है एक परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं, ठीक है ना। अब उस परमानेंट मैग्नेट के प्रेजेंस की वजह से हमारी जो अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हमें अर्थ की हमें एक मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। तो इनकी ये थ्योरी गलत हो गई, क्यों, क्योंकि पहली चीज़ कि कोर में कोई भी चीज़ मोल्टेन स्टेट में होती है, बहुत ही ज़्यादा हीटेड, वहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हॉट है। तो अब कोई भी वहाँ पर मटेरियल जो है सॉलिड स्टेट में रह ही नहीं सकता, तो वो परमानेंट मैग्नेट बनाएगा ही नहीं, तो इस वजह से इनकी थ्योरी हो गई फेल। तो पहला आपको ये समझ में आया ये भी चीज़, ठीक है, बस केवल समझो, है ना, जो इम्पोर्टेंट वाला है हम उस वाली थ्योरी को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो पहली थ्योरी इनकी हो गई फेल, ओके। देखो बच्चे, नाउ हम बात करते हैं एक दूसरे थ्योरी की। देखो दूसरी थ्योरी
थोड़ी हद तक जो है वो सही मानी गई है और इसी को हम जो है बेस लेकर के चलते हैं। देखो ये इन्होंने बताया कि देखो इन्होंने कहा कि भाई देखो अर्थ का जो कोर है वो एक्सट्रीमली क्या है, हॉट है। सही बात है, ये वाली थ्योरी जो हम हमेशा कंसीडर करके चलेंगे कुछ हद तक ये सही है ना। इसके सपोर्ट में कुछ आंसर भी दिए गए। तो उन्होंने कहा कि देखो अर्थ का जो कोर है वो क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हॉट है और वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो मोल्टन स्टेट में है। पहली चीज़ ये वर्ड आप याद रखो, मोल्टन स्टेट में है। कैसे स्टेट में भाई, मोल्टन स्टेट में है ना। देखो तो अगर मोल्टन स्टेट में है तो अब वो क्या कर रही हैं, वो देखो मोल्टन स्टेट में मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि वो हाईली कंडक्टिंग मटेरियल की तरह वर्क कर रही होंगी, है ना। हाईली कंडक्टिंग मटेरियल या हाईली कंडक्टिंग लिक्विड की तरह वर्क कर रही होगी, मटेरियल नहीं लिक्विड की तरह, अगर मोल्टन स्टेट में है तो हाईली कंडक्टिंग लिक्विड की तरह कर रही होगी। और आपको आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये बात पढ़ी थी है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स में आपने पढ़ा था कि अगर लिक्विड के लिक्विड में बेसिकली लिक्विड्स में क्या होते हैं, आयंस होते हैं, तो आयंस के मूव करने की वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड होती है। और आपने थोड़ी देर पहले ये भी पढ़ा है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड हो रही है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होता है। बोलो इतनी बात समझ में आई। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया मतलब साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि भाई देखो हमारे जो कोर हैं, कोर में जो भी हमारे मटेरियल्स हैं वो मोल्टन स्टेट में है, मतलब कि निकिल है, कोबाल्ट्स है ना, ये सब हमारे मोल्टन स्टेट में है। अब मोल्टन स्टेट में होने की वजह से क्या होगा, ये हाईली एक कंडक्टिंग लिक्विड की तरह एक्ट करेगा। अब उसके पास आयंस होंगे, आयंस क्या कर रहा होगा, फ्रीली मूव कर रहा होगा। तो भाई आयंस अगर फ्रीली अगर मूव कर, भाई आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे भाई करंट कैसे प्रोड्यूस होती है, तो इलेक्ट्रॉन के चलने के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मतलब आयंस हमारा मूव कर रहा है, तो आयंस मूव कर रहा है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, और उस इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू उसके चारों तरफ क्या हो रही होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही होगी। अब देखो अब इस थ्योरी के सपोर्ट में कुछ एविडेंस भी दिए गए, ठीक है ना, बात समझना, इस थ्योरी के सपोर्ट में कुछ एविडेंस दिया गया, ठीक है। ये चीज थोड़ा हद तक सही लग रहा है ना, वो तो गलत है ना कि हाँ नहीं जाकर के हम जो है अर्थ के कोर में एक हम बहुत बड़ा हम जो है मैग्नेट है कि हम उस, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम उस मैग्नेट ना, ऐसा नहीं है ना। तो ये कुछ हद तक थोड़ा सही लग रहा है कि भाई हमारी जो मोल्टेन जो भी हमारी लिक्विड है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है, कंटिन्यूअसली मूव कर रही है, मतलब आयंस मूव कर रहे हैं। मोल्टेन लिक्विड मूव करने का मतलब क्या, आयंस मूव कर रहे हैं, तो आयंस मूव करने की वजह से क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा। अब करंट अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो करंट हम ये जानते हैं कि किसी भी अगर कंडक्टर में अगर करंट प्रोड्यूस होता है तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होती है। ये बात आ रही है आपको समझ में, है ना। अब देखो अब एविडेंस देखो क्या दिया गया, तो देखो पहला एविडेंस है जो ये बताया गया, ठीक है। देखो इन्होंने कहा मतलब ये एविडेंस ये दिया गया कि मून के पास कोई भी मोल्टेन कोर नहीं होता। इन्होंने कहा क्या कि मून हैज नो मोल्टेन कोर, मून के पास कोई भी मोल्टेन कोर नहीं होता। तो अब उसके पास अगर कोई मोल्टेन कोर ही नहीं है तो ये पता चला कि मून के चारों तरफ कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, ठीक है। कुछ हद तक ये सही मिला आपको, क्योंकि मून के मतलब जो मून का जो मतलब जो भी उसका जो कोर है ना, तो उसके कोर में कोई भी मोल्टेन मतलब मटेरियल नहीं है। जब मोल्टेन मटेरियल ही नहीं है तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, वहाँ पर फिर कोई मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होना चाहिए। तो ये बात सही है कि वहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मून के सरफेस पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, पहला एविडेंस। अच्छा दूसरा एविडेंस फिर दूसरे प्लेनेट से जो है वो लिया गया। देखो ये कहा गया कि देखो हमारी जो वेनस होती है, वेनस प्लेनेट जो है ना, वेनस प्लेनेट जो हमारी है, ठीक है। देखो तो इसकी जो मूवमेंट करने की जो रेट है ना वो काफी स्लो है, मतलब ये काफी स्लो तरीके से क्या करता है, रोटेट करता है, ठीक है। तो अगर ये स्लो तरीके से रोटेट कर रहा होगा तो इसके जो आयंस होंगे वो भी स्लो स्लो रोटेट कर रहे होंगे। तो अगर आयंस अगर स्लो रोटेट कर रहा होगा, बस समझना, आयंस अगर स्लो रोटेट कर रहा होगा तो करंट भी थोड़े कम अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा होगा, और करंट अगर कम अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी थोड़ी सी वीक होगी। बोलो होगी ना, ठीक है। अच्छा फिर एक दूसरे प्लेनेट को लिया गया जो कि बहुत ही फास्टेस्ट जो है, जो बहुत ही ज्यादा फास्ट रोटेशन कर रहा था, जुपिटर को लिया गया है। क्या, किसको लिया गया, जुपिटर को, है ना। तो तीसरा जो एविडेंस दिया गया वो दिया गया जुपिटर का। भाई देखो हमने कहा, हमने हमने वेनस की बात करी, तो वेनस के कोर में
मोल्टेन मैग्मा तो है, मोल्टेन लिक्विड, कंडक्टिंग लिक्विड तो है, लेकिन जो वेनस प्लैनेट है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो मूव करता है। तो स्लो मूव करने की वजह से उसके जो आयन्स होंगे वो भी स्लोली मूव कर रहे होंगे, तो जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि कम करंट प्रोड्यूस हुआ तो कम मैग्नेटिक फील्ड होगी, है ना। अब एक दूसरा प्लैनेट लिया गया जिसको जो बहुत तेजी से क्या करता था, मूव करता था, जैसे कि हमने कहा जुपिटर, हमने एक दूसरा प्लैनेट लिया जुपिटर और हमने ये देखा कि भाई जुपिटर बहुत तेज मूव कर रहा है। तो देखो, अगर जुपिटर की रोटेशन अगर बहुत ज़्यादा तेज है, बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट है, तो अब उसके जो अंदर जो भी हमारी मोल्टेन लिक्विड होगी वो भी क्या कर रही होगी, बहुत ही तेजी से क्या कर रही होगी, मूव कर रही होगी। तो बहुत तेजी से मूव करने की वजह से क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में करंट प्रोड्यूस होगा, और उस बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट्स की वजह से उसके चारों तरफ एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ ऐसा देखा गया, ऐसा सच में हुआ, ऐसा है, एक्सपेरिमेंट किया गया है ना। जो है साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इन सारे प्लैनेट्स पर मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करी, तो ऐसा पाया गया कि हाँ ज़्यादा है एज कम्पेरिजन टू हमारा जो जुपिटर है ना। जुपिटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेनस के कंपेरिजन में ज़्यादा है। तो आगे बात समय, तो ये जो है हमारा जो स्टेटमेंट है ना, जो स्टेटमेंट जैसे कि आपको ये पीडीएफ में जो थर्ड नंबर का जो स्टेटमेंट मिलेगा वो कुछ हद तक सही है। तो रीज़न ये है, एविडेंस इसका ये है। इतनी बात आपको समझ में आई आई होगी मेरे ख्याल से, कोई बहुत ज़्यादा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। देखो बच्चे, बात समझते हैं हम कुछ जनरल फीचर्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे हमारे जो मेन जो अर्थ एलिमेंट्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड के जो एलिमेंट्स हैं उनको समझ पाएंगे, है ना। तो पहले मैंने समझना पड़ेगा। देखो जैसा कि आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि आपको यहाँ पे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है, जियोग्राफिक पोल्स और मैग्नेटिक पोल्स। तो सर आप जियोग्राफिक पोल बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हो, है ना। आपने कहा सर कि अगर मेरे पास, देखो बात समझना, थोड़ी सी बात समझो। आपने कहा सर अगर मेरे पास अगर कोई एक बार, मतलब सॉरी, अगर मेरे पास अगर ये अर्थ है, ठीक है, ये अगर एक अर्थ अगर हम बनाते हैं, ओहो सर कैसा अर्थ बना रहे हैं, देखो ये अगर मान लो अगर हम एक अर्थ बनाते हैं ना, तो जैसा कि आपको पता है, आप ये बहुत बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो क्या, कि अर्थ की क्या होती है, एक नॉर्थ पोल होती है और एक साउथ पोल होती है, आप जानते हो। तो आप इस वाले पोल को सिंपली क्या कहते हो, आप इसे कहते हो नॉर्थ पोल, और इस वाले पोल को आप क्या कहते हो, सिंपली साउथ पोल कहते हो, है ना। क्या कहते हो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, बात समझना। आप इसे कहते हो, ये वाला जो पॉइंट है आप इसे कहोगे नॉर्थ पोल, है ना। तो देखो यही जो हमारा नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है ना, इसी को हम अपने फिजिक्स के लैंग्वेज में कहते हैं ज्योग्राफिक पोल्स। क्या कहते हैं, ज्योग्राफिक पोल्स। मतलब ये चीजें हमने मान ली है कि ठीक है, अगर हमारा अर्थ अगर सर अगर एक सर्कुलर फॉर्म में है, एक हमारे स्फीयर फॉर्म में है, तो हम इसके टॉप वाले सर्फेस को मान लेते हैं नॉर्थ पोल और इसके बॉटम वाले सर्फेस को मान लेते हैं साउथ पोल। ये हम बहुत बचपन से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं ना। तो इसको हम लोग कहते हैं, इसी पोल्स को हम लोग कहते हैं ज्योग्राफिक पोल्स, है ना। जियोग्राफिक पोल्स मतलब कि एक ऐसा पोल है जिसके अबाउट हमारी जो अर्थ है ना वो क्या करती है, रोटेट करती है ना, ऐसे रोटेट करती है ईस्ट वर्ड डायरेक्शन में, है ना, ईस्ट वर्ड डायरेक्शन में ऐसे ऐसे रोटेट करती है, मतलब काउंटर क्लॉक, या फिर जिसको आप कह सकते हैं एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में क्या करती है, रोटेट करती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो इसी को हमने कह दिया जियोग्राफिक पोल्स, दैट इज ये हमारा नॉर्थ जियोग्राफिक पोल होगा। देखो ये जो होगा वो हमारा क्या होगा, ये हमारा नॉर्थ जियोग्राफिक पोल होगा, और ये जो हमारा होगा वो हमारा साउथ जियोग्राफिक पोल होगा। अब जैसा कि आपने अपने क्लास में पढ़ा था, है ना, कुछ अपने शायद 7th या 8th क्लास में आपने पढ़ा था कि जो कोलंबस है ना, वो इंडिया की डिस्कवरी करने के लिए निकले थे, ठीक है, और उन्होंने क्या खोज लिया, अमेरिका खोज लिया। क्यों, देखो अब यहां से हम यहाँ पे अब थोड़ा सा देखो ट्विस्ट आने वाला है। क्या हुआ ना, क्या हुआ, अब ये बात शायद उनको पता थी या नहीं पता थी, लेकिन जो भी हो, देखो हुआ क्या कि हमने कहा कि ठीक है, हम जो है एक मैग्नेटिक नीडल मेरे पास थी, मेरे पास क्या थी, एक मैग्नेटिक नीडल थी, और उस मैग्नेटिक नीडल को लेकर के हमने क्या किया, हमने इस अर्थ का पूरा एक चक्कर लगाया। क्या किया, मैग्नेटिक नीडल को लेकर के हमने अर्थ का पूरा एक चक्कर लगाया, सपोज करो। तो देखो ये देखने को मिला, बस में ना ये देखने को मिला कि हमारी जो मैग्नेटिक नीडल है वो हमारे अर्थ के दो जगह पर है ना, मतलब कि अर्थ के दो पॉइंट पर है ना, मतलब दो पॉइंट पर क्या हुई, जो हमारी जो नीडल है वो अर्थ के सरफेस के परपेंडिकुलर हो गई, अर्थ के सरफेस के परपेंडिकुलर हो गई। मतलब जैसे मान लो आपने कहा सर ये मेरे पास अगर एक नीडल है, ये अगर एक नीडल है,
ये अगर एक निडल है, मान लो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ये अर्थ के सरफेस के परपेंडिकुलर हो गई। परपेंडिकुलर मतलब समझ रहे हो, जैसे कि ये उठा करके ले आओ यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर देखा गया कि यहाँ पर जो है किसी एक पॉइंट पर, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर हो गई किसी एक पॉइंट पर, दूसरी जगह भी क्या हो गई परपेंडिकुलर हो गई। और फिर अर्थ के दो और सरफेस पर हमारी ये जो निडल है वो कैसे हो गई, अर्थ के सरफेस के पैरेलल हो गई। कैसे हो गई, अर्थ के सरफेस के पैरेलल। तो देखो वो पॉइंट क्या मिला, तो हम जब इस निडल को लेकर के हमने जब चलना स्टार्ट किया तो हमने देखा कि इस पॉइंट पर, बात समझना बच्चे, इस पॉइंट पर हमारी जो, हमारी ये जो निडल है ना वो इस अर्थ के सरफेस के कैसे हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। कैसे हो गई परपेंडिकुलर, मतलब कि हमारी जो जो नॉर्थ पोल है, मतलब हमने कहा सर ये मैं मान लो सपोज करो कि मेरा ये एक क्या था, निडल था, मैग्नेटिक निडल था जो कि ऐसे 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 क्या करता, मूव कर रहा था, ठीक है। तो हम ऐसे चलते गए मैग्नेटिक निडल लेकर के, ऐसे समझो कि हम इसको, मतलब आपके पास कोई ऐसा एक साधन है, कन्वे कह सकते हो कि आप उसको क्या कर रहे हो, मैग्नेटिक नीडल को लेकर के अर्थ के चारों तरफ घूम रहे हो। तो ये देखा गया कि जब हम इस पॉइंट पर आए तो ये देखा गया कि हमारी जो नीडल है ना वो नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो इस डायरेक्शन में आकर कैसे फिट हो गया, यहाँ पर, यहाँ पर जो है हमारी जो नीडल है ना वो ऐसे परपेंडिकुलर हो गया अर्थ के सर्फेस के, कैसे हो गया, दिख रहा है ये अर्थ के सर्फेस के कैसे हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। अच्छा, तो इस पॉइंट को भी हमने मान लिया क्या, NM। अब ये NM क्यों माना बता रहे हैं, रुक जाओ। फिर सिमिलरली एक और पॉइंट देखा गया कि इस वाले पॉइंट पर भी हमारी जो अर्थ की जो, मतलब हमारा जो मैग्नेटिक नीडल है, हमारा जो मैग्नेटिक नीडल है वो भी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, मतलब ऐसे हो गया। तो इस पॉइंट को हमने मान लिया SM। अब ये NM और SM क्या, देखो तो इसका मतलब देखो, अब यहाँ पर ये ऐसा क्यों होगा, हुआ होगा, सोचो ये मतलब हमारा जो अर्थ का ये जो, मतलब ये जो नॉर्थ पोल है यहाँ पर ऐसे आकर के क्यों ऐसे, मतलब इस तरीके से परपेंडिकुलर हो गया होगा। तो इसका मतलब है ये कंसीडर किया गया, ये देखो ये एक, ये एक हाइपोथेसिस है, इन्होंने मतलब ये माना गया कि ऐसा हो सकता है कि अर्थ के अंदर जो है एक बहुत ही बड़ी जो है क्या है, एक बार मैग्नेट रखी हुई, वही जो आपका जो पहला वाला जो हाइपोथेसिस था, मतलब ये हम मान करके चल रहे हैं, ऐसे मान करके चल रहे हैं कि वो जो भी हमारे मोल्टेन लिक्विड थी उनकी वजह से एक हमारा जो है एक मैग्नेटिक डाइपोल क्रिएट हो रहा है। क्या क्रिएट हो रहा है, मैग्नेटिक डाइपोल क्रिएट हो रहा है, और उस मैग्नेटिक डाइपोल में हमारी ये वाली जो डायरेक्शन है ये हमारी साउथ डायरेक्शन है, और ये वाला हमारा जो डायरेक्शन है मुझे वो नॉर्थ डायरेक्शन है। तो अब आप कहोगे सर अगर ये साउथ डायरेक्शन है तो सर आप इस वाले को आप जो है NM मतलब कि नॉर्थ वाला पोल क्यों मान रहे हो, इस वाले को साउथ वाला पोल क्यों मान रहे हो। देखो तो ये समझने के लिए, ये ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए ये समझाया गया, ये बताया गया कि हमारी हमारी इस निडल की है ना, इस निडल की जो भी पोल है ना इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर हो रही थी, तो बद्दी देखो कौन सी पोल परपेंडिकुलर हो रही थी, नॉर्थ वाली पोल परपेंडिकुलर हो रही थी। तो नॉर्थ वाली अगर पोल अगर परपेंडिकुलर हो रही है तो इस रीजन को हमने क्या मान लिया, इस रीजन को हमने नॉर्थ मैग्नेटिक पोल मान लिया। ये हमारा NM क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, NM हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, बात समझ में आ रही है। ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ठीक है। थोड़ा सा समय देना, देखो अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। अच्छा, तो सिमिलरली अब फिर ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक साउथ पोल। देखो अभी आपको केवल ये पता था कि हाँ सर मेरे पास एक ज्योग्राफिक पोल होती है जिसके अबाउट हमारी जो अर्थ है वो क्या करती है, ऐसे 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 रोटेट कर रही है, इतना आपको पता है, लेकिन नहीं है ना एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। अच्छा, अब ये देखा गया कि इनके बीच जो एंगल है, मतलब कि, मतलब ये देखो ये आपकी क्या बनी, ये आपकी एक ज्योग्राफिक एक्सिस बनी, तो इस वाली एक्सिस को हम क्या कहेंगे, इस वाली एक्सिस को हम कहेंगे ज्योग्राफिक एक्सिस, क्या कहेंगे ज्योग्राफिक एक्सिस, जो कि आप ज्योग्राफी में बहुत समय से पढ़ते चले आ रहे हो। लेकिन उसी के साथ साथ क्या है, हमारे पास एक मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है और एक मैग्नेटिक साउथ पोल भी है, तो जिसकी वजह से इन दोनों पोल्स को जब हम आपस में जब मिलाते हैं तो इनकी वजह से हमारा बनता है मैग्नेटिक पोल, और इसको हम कहेंगे क्या, जिस तरीके से हमारा ये ज्योग्राफिक एक्सिस है उसी तरीके से हमारा ये होगा मैग्नेटिक एक्सिस। क्या होगा, इस वाले एक्सिस को हम क्या कहेंगे, इस वाले एक्सिस को हम कहेंगे मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आती है। देखो अब यहाँ पे ये माना जाता है कि इनके बीच का जो एंगल है अभी फिलहाल जो है वो 11.3 डिग्री है। कितने डिग्री है, 11.3, और अगर आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो पता चलेगा आपको कि ये लगभग यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 2000 किलोमीटर के आसपास है ना, बहुत ज़्यादा 2000 किलोमीटर के आसपास। तो देखो
अब ये चीज जो है ना पहले लोगों को नहीं पता थी, उन्होंने बस कहा कि ठीक है हम एक डायरेक्शन मान लेते हैं नॉर्थ साउथ, ठीक है, बट कुछ ऐसा ही तो हुआ होगा, ठीक है, मतलब कि भाई उन्हें लगा होगा कि ठीक है हम जो है वो सही है, हम नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं, उनकी जो कंपास होगी वो ऐसे बता रही होगी, बस समझना, उनकी कंपास जो है ऐसे बता रही होगी, है ना, तो उनको लगा, मतलब सब सॉरी ऐसे बता रही होगी, तो उनको लगा ठीक है हमारा यही जो है वो नॉर्थ है, समझो। आप ऐसे सोचो कि आपको ये नहीं पता था, आपको ये चीज़ नहीं पता थी, और आप किसी बहुत ही बड़े, एक बहुत बड़े ओशियन में हो, बहुत बड़े समुद्र में हो, ना, एक छोटे से नाव पर। एक मैग्नेटिक नीडल है आपके पास, एक मैग्नेटिक नीडल है, और आपको बस इतना पता है भाई यहाँ ये जो नीडल है वो हमारा नॉर्थ बताता है, और ये हमारा एक जो है मतलब इसका जो नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन बताता है, बस आपको इतना पता है, आपको ये नहीं पता, तो आप क्या कहोगे? अगर आपकी नाव अगर ऐसे डायरेक्शन में चल रही है और आपने अपने नीडल निकाल करके उसको अपने किसी मैप पर रखा, किसी पेज पर रखा, तो नीडल ने ऐसे बताया, नीडल का जो नॉर्थ है वो ऐसे बताया, बात समझना, नीडल का नॉर्थ जो है वो ऐसे बताया, तो आपको लगेगा ना कि हाँ हाँ ठीक है, मतलब हमारी जो पोल है, मतलब जो नॉर्थ पोल है वो ऐसे ही है। देखो ये थोड़ा सा आप ऐसे समझो, देखो देखो जैसे मैंने आपको बताया ना कि सपोज करो आपने अपने कंपास से आपने इस तरीके से मान लो रखा, तो आपका जो कंपास है वो मान लो इस डायरेक्शन में किया, तो आप क्या सोचोगे? आप तो ये सोचोगे ना कि अच्छा हम जो है वो जियोग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हैं, बात समझना, आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा कि हाँ हाँ ठीक है हम जो है वो अपने जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आप किसकी तरफ जा रहे हो? एक्चुअल में आप मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ जा रहे हो। बोलो इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई तो शायद यही रीजन रहा होगा कि जो कोलंबस जो है ना वो इंडिया के बजाय जो है उन्होंने अमेरिका की जो है डिस्कवरी कर ली, शायद शायद पता नहीं, जो भी रीजन हो, बट देखो मेन बात तो यही है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आपको दो चीजें समझनी है, क्या ये सारे के सारे डेफिनेशन आपको मिल जाएंगे? तो जियोग्राफिक एक्सिस क्या होता है? तो ऐसी एक्सिस जिसके अबाउट हम ये मानते हैं कि हमारी अर्थ क्या कर रही हो, रोटेट कर रही हो, ऐसे रोटेट कर रही हो, है ना, और मैग्नेटिक हमारी जो एक्सिस है, तो मैग्नेटिक एक्सिस को आप कैसे बता सकते हो? देखो आप इसे ऐसे बता सकते हो कि एक ऐसी लाइन जो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल को और साउथ मैग्नेटिक पोल को क्या कर रही हो, मिला रही हो, तो उस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? उस लाइन को हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक एक्सिस। तो दो बातें आपको यहां से क्लियर हुई, आपकी दो चीजें हैं, एक है जियोग्राफिक एक्सिस जिसके अबाउट आपकी अर्थ क्या करती हो, रोटेट करती हो, दूसरी है मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस का आपको कैसे मिलेगा? तो जब आप नॉर्थ मैग्नेटिक पोल को और साउथ मैग्नेटिक पोल को जब मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगा? एक मैग्नेटिक एक्सिस मिलेगा। अच्छा मैंने आपको बताया कि यहाँ इनके बीच का जो एंगल होता है वो लगभग 11.3 डिग्री होता है, और ये टाइम के साथ वैरी करता है, ठीक है, टाइम के साथ वैरी करने का मतलब कि बहुत जल्दी नहीं, लगभग कई सौ साल में, कई सौ साल में क्या होता है ना कि इनकी जो एंगल है वो बढ़ती है, ठीक है, बढ़ेगी या घटेगी जो भी होगा, मतलब ये चेंज होते हैं, बट इतना नहीं, इतना इतनी जल्दी नहीं, कई सौ साल लगते हैं चेंज होने में। तो फिलहाल आप यहाँ पे समझो, तो आपको दो बातें समझ में आई, क्या आपको दो बातें समझ में आई? जियोग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस, है ना। तो आपको यहां से दो चीजें समझ में आई हैं कि हम अपनी सिंपलिसिटी के लिए जो है वो जियोग्राफिक हम पोल को कंसीडर करते हैं, तो जियोग्राफिक पोल में हमारे नॉर्थ जियोग्राफिक पोल और साउथ जियोग्राफिक पोल होता है, बट होता क्या है, रियलिटी क्या होती है? तो रियलिटी ये होती है कि नहीं, अर्थ देखो हमारी जो मैग्नेट, हमारी जो कंपास, जो मतलब जिस डायरेक्शन में हमारी कंपास, मतलब जो निडल्स है हमारी जो मुड़ रही है ना, वो हमारी एग्जैक्टली क्या बताती है? वो हमारी नॉर्थ मैग्नेटिक पोल को, डायरेक्शन को शो करती है, नॉर्थ मैग्नेटिक, और हम क्या सोचते हैं कि नहीं वो हमारी एग्जैक्टली वो नॉर्थ पोल को शो करी, दैट इज जियोग्राफिक नॉर्थ पोल को, बट ऐसा नहीं है, वो जियोग्राफिक वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को शो कर रही है, ठीक है। तो यहां से आपको ये कुछ बातें क्लियर हुई, जियोग्राफिक एक्सिस क्या है, ठीक है, मैग्नेटिक एक्सिस क्या है, उसके बाद मैग्नेटिक नॉर्थ पोल क्या है, मैग्नेटिक साउथ पोल क्या है, और ये आपका जो ये जो एनजी है इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे जियोग्राफिक, जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, ठीक है, और इसे हम कहेंगे क्या? इसे हम कहेंगे जियोग्राफिक साउथ पोल। बोलो इतनी बात क्लियर है? यहाँ पे कंफ्यूज मत होना सर कि यहाँ पे तो सर आप ये जो मैग्नेट जो आपने बनाया है, ये जो आपने मैग्नेट बनाया यहाँ पर, तो आपने सर साउथ पोल लिया है, तो सर आप इसको साउथ क्यों नहीं मार रहे? देखो मैंने आपसे फिर से वही बात, मैं आपको फिर से बोलूंगा कि हम यहाँ पे जो निडल, हमारी निडल का जो है ना वो नॉर्थ पोल यहाँ पर टच किया, निडल का जो है वो नॉर्थ पोल इस अर्थ के सरफेस पर टच किया, तो इसकी वजह से हम क्या मान रहे हैं? हम इसको नॉर्थ
मैग्नेटिक नॉर्थ पोल मान रहे हैं, और सिमिलरली यहाँ पर निडल का साउथ पोल इस वाले सरफेस को टच किया, तो इस वजह से हम इसे जो है क्या मान रहे हैं, इस वजह से हम इसे मैग्नेटिक साउथ पोल मान रहे हैं। ठीक है, अच्छा देखो, अब अगर ऐसा है तो जो जो फील्ड लाइंस होगी, अब देखो मतलब आपको पता है कि भाई अगर ये एन है साउथ है तो फील्ड लाइन कैसे चलती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो देखो कुछ ऐसे चलेगी, कुछ ऐसे चलेगी, देखो ये कुछ इस तरीके से, इस तरीके से बोला, इस तरीके से चलेगी, है ना, बोलो इस तरीके से चलेगी ना। ठीक है, अच्छा इसकी डायरेक्शन बना लो, तो इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, ऐसे होगी, इधर से इधर की तरफ होगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है ना। ठीक है, तो ये ऐसे चल रही होगी। देखो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा था ना, आप इस वाली लाइन को क्या कहते थे, ये जो हमारी जो ज्योग्राफिक एक्सिस है आप इसको कहते थे क्या, लॉन्गिट्यूड, क्या कहते थे, लॉन्गिट्यूड। और इसी देखो बेसिकली हमारी अर्थ में टोटल कितनी लॉन्गिट्यूड होती है, तो टोटल होती है इस मेन वाले लाइन को लेकर के होती है टोटल 361। ठीक है ना, टोटल कितनी होती है 361, मतलब कि इस मतलब ऐसे कितनी लाइनें टोटल इमेजिन करी गई हैं, ऐसी टोटल 361 लाइंस इमेजिन करी गई हैं, है ना। अब फिर क्या होता है, अर्थ का एक, देखो अर्थ का एक इक्वेटर भी होता है, एक इक्वेटर भी होता है, तो इसको हम ज्योग्राफिक इक्वेटर कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, हम ज्योग्राफिक इक्वेटर कहते हैं। अब क्या हो कि अब एक हम ऐसा इक्वेटर बनाए जो इस मैग्नेटिक एक्सिस के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, देखो कुछ ऐसे, तो ये हमारी क्या होगी, ये हमारी मैग्नेटिक इक्वेटर होगी। अरे बस में ये क्या होगी, ये मैग्नेटिक इक्वेटर होगी। तो अब देखो ये हमारी जो, ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, इन वर्टिकल लाइंस को हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूड, और ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इनको हम कहते हैं क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं इक्वेटर। ओके, अच्छा इन वर्टिकल लाइंस को आपने एक वर्ड भी सुना होगा, मेरिडियन, क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन, जो हमारी जो बीच की जो मेन जो सेंट्रल लाइन होती है उसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। और टोटल कितने मेरिडियन होते हैं, तो इस प्राइम मेरिडियन को इंक्लूड करके टोटल 361 लाइंस हमारी टोटल होती हैं। सिमिलरली अब अगर हम बात करें इक्वेटर वाली लाइन की, तो टोटल कितनी इक्वेटर वाली लाइन होती है, टोटल 180, टोटल 180 होती है, ऐसे ऐसे, है ना, टोटल कितनी होती है 180। इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखो यहां से आपको समझना है, देखो अगर हम बात करते हैं मेरिडियन ना, तो मेरिडियन हमारी एक प्लेन है, लाइन नहीं है, वो हमारी एक प्लेन है। देखो प्लेन तो बेसिकली हमें यहाँ पे लाइन के ही टर्म में आपको यहाँ पे समझ में आएगा, क्योंकि देखो सारी ये जो सारी की सारी चीजें ना, वो थोड़ी सी 3D जो है वो सब सारी की सारी चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझना है क्या, प्राइम मेरिडियन को। ओके, दैट इज, हम प्राइम मेरिडियन की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। भाई जिस तरीके से ज्योग्राफिक मेरिडियन मिलेगा, मतलब कि प्राइम मेरिडियन जिसको आप क्या कहते थे, प्राइम मेरिडियन कहते थे, तो सिमिलरली उसी तरीके से आपको मैग्नेटिक मेरिडियन भी मिलेगा। दो बातें फिर से आपको समझनी है क्या, प्राइम मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन, बात समझ रहे हो, प्राइम मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। तो समझते हैं, देखो प्राइम मेरिडियन देखो क्या होती है, देखो सॉरी प्राइम मेरिडियन मतलब सॉरी हमने कहा ज्योग्राफिक मेरिडियन, मतलब प्राइम मेरिडियन, हिस्ट्री ज्योग्राफी थोड़ा सा लग रहा है ज्यादा पढ़ा हुआ है इस वजह से। प्राइम मेरिडियन देखो, प्राइम मेरिडियन का मतलब क्या, जो हमारे पास, हम इसको कहते थे प्राइम मेरिडियन, तो प्राइम मेरिडियन का मतलब क्या, ज्योग्राफिक एक्सिस को ही हम क्या, हम लोग क्या कहते थे, प्राइम मेरिडियन। बट हम अगर इस फिजिक्स के टर्म में समझ रहे हैं, तो यहाँ पे हम ज्योग्राफिक मेरिडियन को एज अ प्लेन मानेंगे, क्या मानेंगे बच्चे, प्लेन। तो देखो हमारी जो प्राइम, जो ज्योग्राफिक मेरिडियन होती है वो क्या होती है, एक ऐसा वर्टिकल प्लेन, ठीक है, है ना, एक ऐसी वर्टिकल प्लेन जो ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ से पास होती हो, बात समझना, एक ऐसी वर्टिकल प्लेन, अ वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल आर कॉल्ड ज्योग्राफिक मेरिडियन। सिमिलरली मैग्नेटिक नॉर्थ, अगर हम मैग्नेटिक मेरिडियन की बात करें, तो मैग्नेटिक मेरिडियन में आप क्या कहोगे, अ वर्टिकल प्लेन, ठीक है, अ वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक, मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ, इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन, इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। अब देखो बेसिक से, सिंपल सिंपल से कुछ टर्म्स हैं, मैंने आपको नोट्स में ये सारी चीज़ें मैंने आपको लिख दी हैं, आप वहाँ से जाकर ये लिख लो। यहाँ पे आप बस केवल चीज़ों को समझो, जिस तरीके से हम मेरिडियन की बात करते थे, मेरिडियन को हम लाइन कंसीडर करते थे, तो फिलहाल यहाँ पर भी हम, अब देखो आप यहाँ पे हम शेप नहीं दिखा सकते, मतलब कुछ ऐसा अगर हम प्लेन बनाएंगे ना, तो प्लेन हमारा कुछ ऐसा होगा, जैसे कि मान लो देखो अगर हम प्लेन बनाना चाहें ना, तो ये कुछ ऐसे प्लेन बनेगा, काफ़ी ज़्यादा हॉज पॉज हो जाएगा, ठीक है ना, कुछ ऐसा, ये मान लो एक हमारा प्लेन है, ये हमारा ज्योग्राफिक मेरिडियन है, ठीक है, तो इस ज्योग्राफिक
मेरिडियन को हम क्या कह रहे हैं, मतलब ये हमारी एक प्लेन है। सिमिलरली मान लो अगर हम मैग्नेटिक मेरिडियन अगर बनाना चाहें तो मैग्नेटिक मेरिडियन हम कुछ ऐसे बनाएंगे, है ना। तो ये हमारी एक प्लेन बनेगी, समझ रहे हो। तो बहुत ज़्यादा हॉस्पॉट हो जाएगा जैसे हम नहीं बना रहे हैं ना। तो फिलहाल आप लाइन के ही टर्म्स में समझो, लाइन के ही टर्म्स समझो, कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा आपको इसमें समझना नहीं है। सिंपल बेसिक से हम बस फंडा समझ लेते हैं जो भी हमारे टेक्स्ट बुक में है, हम उनको समझ लेते हैं। ओके देखो, तो फिलहाल आपको दो बातें समझ में आई, दो बातें आपने और कर ली, क्या मैग्नेटिक मेरिडियन की आपने बात कर ली और जियोग्राफिक मेरिडियन की आपने बात कर ली। नाउ अब हम यहाँ से बात करते हैं अपने तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, जिनको हम कहते हैं, यही आपका मेन टॉपिक है, जिनको हम कहते हैं एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब देखो, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के। अब ये एलिमेंट ऑफ क्या है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के एलिमेंट क्या है, तो बेसिकली अर्थ मैग्नेटिक मतलब ऐसे समझ लें हम कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड के जो बेसिकली जो हमारे टोटल थ्री एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं टोटल हमारे पास, थ्री एलिमेंट्स हैं। अब ये करते क्या है भाई, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि इनका काम क्या होता है। थ्री एली क्या लिख रहे हैं, थ्री एलिमेंट्स, ओके। अब ये करते क्या है देखो, आप अगर किसी भी डायरेक्शन पर मतलब सॉरी किसी भी प्लेस पर, ठीक है, किसी भी प्लेस पर आप मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी की, उस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, मतलब आप जैसे मान लो, आप जैसे आपने कहा सर हम दिल्ली में हैं, है ना, तो उस प्लेस पर जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी, उस अर्थ के चारों तरफ है ना मैग्नेटिक फील्ड, है ना, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी और डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी। तो हम इसके लिए हम बेसिकली तीन एलिमेंट का यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये तीन एलिमेंट क्या होते हैं, ध्यान से सुनना, ये तीन एलिमेंट आपके होते हैं एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, ध्यान से सुन लो मेरी बात, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी जल्दी से, हमें खत्म करना है, फिनिश करना है। तो एक हमारा होता है क्या, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, इनके बारे में हमें समझना है डिटेल में, ठीक है। दूसरा हमारा जो होता है वो होता है एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप होता है। नाउ थर्ड हमारी जो पॉइंट होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्या होती है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ओके, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो इन तीन के हेल्प से जो है हम डायरेक्शन बता सकते हैं और पर्टिकुलर उस पॉइंट की, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है ये भी बता सकते हैं, ओके। देखो जी, बात हम समझते हैं पहले एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन की। एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन क्या है, कुछ नहीं, सिंपल, एक सिंपल सा डेफिनेशन है। देखो आप क्या बताओगे, होता क्या है कि जैसे मान लो आप किसी भी पॉइंट पर अगर आप अपना जो है एंगल लेना चाहते कि भाई हम अर्थ से, हम जो अर्थ के हैं, मतलब अर्थ तो ऐसे बेंड है ना, हल्की से ऐसे बेंड है, तो आप ये निकालना चाहते हो कि हम हमारा जो एंगल बन रहा है अभी वो कितना है, आप ये निकालना चाहते हो, ठीक है। तो देखो होता क्या है, आपने कहा सर मेरे पास एक ज्योग्राफिक मेरिडियन था, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन को समझने के लिए आपको पहले ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन आपको समझ में आना चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया कि क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। तो देखो जो ज्योग्राफिक मेरिडियन है और जो मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन जिस भी पॉइंट पर एक दूसरे को कट करेंगे, समझना, जिस भी पॉइंट पर एक दूसरे को कट करेंगे वहीं पर हमारा मिलेगा एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। क्या मिलेगा, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। अब आपको लग रहा होगा कि सर ऐसा है, यहाँ पे तो सर हमारा ये जो हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है और ये हमारा जो ज्योग्राफिक मेरिडियन है ये तो केवल एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे टोटल कितने लाइन ड्रॉ करते हो, 360, तो इसके भी कितने लाइन ड्रॉ करोगे, 360, क्लियर है। देखो इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा हम इसका हेल्प लेते हैं, इस चीज का थोड़ा सा हम हेल्प लेते हैं, है ना। ये क्या है, आपकी फुटबॉल है, नहीं ये आपकी एक अर्थ है ना। अब देखो यहां पर जो है हमने दो चीजें मेंशन करी हैं, यहां पर आपका देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका ज्योग्राफिक नॉर्थ है, ठीक है, ये पोल आपका ज्योग्राफिक नॉर्थ है और इसके जस्ट इस तरफ जो है हमारी वो
ज्योग्राफिक साउथ है, क्या है ये आपका है ज्योग्राफिक नॉर्थ, ठीक है, और ये है आपकी ज्योग्राफिक साउथ। सिमिलरली ये तो बात हो गई हमारे अपने सिंपल मतलब कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि हाँ भाई हम यहाँ पे नॉर्थ और साउथ ले लेते हैं, लेकिन क्या एग्जैक्टली ऐसा है? नहीं, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। तो आपने कहा सर अब ये वाला पॉइंट क्या है, ये हमारा है मैग्नेटिक नॉर्थ, है ना, जहां पर आपकी जो निडल है वो आकर के ऐसे वर्टिकल हो जाती है। अब देखो आप समझो, आपने आपने ऐसे निडल लाया और निडल जो है आकर के ऐसे वर्टिकल हो गई, इस पॉइंट पर आकर के ऐसे वर्टिकल हो गई, समझ रहे हो? तो ये जो पॉइंट है ये आपका क्या शो करता है, ये आपका शो करता है मैग्नेटिक नॉर्थ। तो सिमिलरली इसके जस्ट दूसरी तरफ क्या होगा, देखो इस तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक साउथ होगा। अब यहां से देखो मैंने क्या किया कि इस ज्योग्राफिक नॉर्थ से, है ना, मैंने एक मेरिडियन ड्रॉ किया, ठीक है, ज्योग्राफिक साउथ की तरफ, और ज्योग्राफिक मैग्नेटिक नॉर्थ से मैंने एक मेरिडियन ड्रॉ किया, ठीक है, मैग्नेटिक साउथ की तरफ। ऐसे बहुत सारे जो होंगे हमारे लॉन्गिट्यूडनल लाइन होंगी, बहुत सारी लॉन्गिट्यूडनल लाइन होंगी, बट हम कुछ ही यहाँ पर लाइन को क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, है ना, कुछ ही लाइन को तो शो कर सकते हैं। देखो अब ये आपका, देखो ये जो है आपका, ये क्या, ये आपका एक इक्वेटर है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये क्या है, ये जो ऐसे जो है ना, ये जो लाइन दिख रही है आपकी, ये एक इक्वेटर लाइन है। अच्छा, मतलब ये आपकी ज्योग्राफिक इक्वेटर है। सिमिलरली अगर आप देखो इसको, अगर आप देखो इस वाली लाइन को, देखो ये वाली जो लाइन जा रही है, ये वाली जो लाइन जा रही है ना, ये वाली लाइन, ठीक है, ये लाइन आपकी क्या होगी, आपकी मैग्नेटिक इक्वेटर होगी, होगी ना। अब देखो क्या हुआ, बात समझना, अर्थ क्या कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है ईस्ट वर्ड डायरेक्शन में, ऐसे इस तरीके से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है, मत रोटेट कराओ भाई। अब देखो क्या है, तो हमने कहा सर हमें समझना है एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, ठीक है, क्या समझना है, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। तो आपने कहा सर ये हमारी है मैग्नेटिक, ये हमारी है ज्योग्राफिक मेरिडियन, ठीक है, अच्छा, और ये हमारी है मैग्नेटिक मेरिडियन। देखो बहुत सारे, मान लो हम किसी एक को ले लें, जैसे मान लो हमने कहा सर हम इसको ले लेते हैं, ओके ओके ठीक है, एक लाइन हमें और ड्रॉ कर लेना सीधा, ठीक है, चलो देखो समझ लेते हैं। ओके देखो जैसे यहाँ पे समझते हैं ना, यहाँ पर समझते हैं, ओके, हमने कहा सर ये हमारी क्या थी, ये हमारी है ज्योग्राफिक नॉर्थ, तो ज्योग्राफिक नॉर्थ से हमारा क्या निकला, ज्योग्राफिक मेरिडियन, और ये हमारा है मैग्नेटिक नॉर्थ, तो मैग्नेटिक नॉर्थ से क्या निकला, मैग्नेटिक मेरिडियन। अब देखो जैसे मान लो आप अगर यहाँ पर हो, ठीक है, यहाँ पर हो, तो देखो आपको एक यहाँ पर एंगल मिला, एंगल मिला, देखो कितना छोटा सा एंगल मिला, समझ रहे हो, यहाँ पर देखो ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करी ना भाई। देखो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन का डेफिनेशन ही क्या है कि एट एनी प्लेस द एक्यूट एंगल, देखो जो एंगल हमेशा जो बनेगा ना वो 90 डिग्री तक ही बनेगा, ठीक है, 90 डिग्री से छोटा बनेगा, तो एक्यूट एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक, देखो ये जो ब्लैक लाइन है ये हम इसको कह रहे हैं मैग्नेटिक, ये सॉरी ये इसको हम कह रहे हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन, और ये जो रेड वाली लाइन है इसको हम कह रहे हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। तो एंगल बन रहा है, और ये एंगल कैसा है, एक्यूट एंगल है, बिटवीन द, देखो मैग्नेटिक, ये आपकी एक मैग्नेटिक मेरिडियन है, रेड वाली कैसी, मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन, यानी कि ये जो एंगल बना, बात समझना, ये जो एंगल बना इसी एंगल को हम लोग क्या कह रहे हैं, इसी एंगल को हम लोग कह रहे हैं एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ो, मान लो जैसे सर अगर हम इस वाले पॉइंट पर ले लेते हैं, देखो इस वाले पॉइंट पर अगर हम लेते हैं, तो देखो इस वाले पॉइंट पर देखो ये आपका एक मैग्नेटिक मेरिडियन है, ठीक है, और ये आपकी ज्योग्राफिक मेरिडियन है, यहाँ पर जो एंगल बना है ना, ये भी आपकी क्या होगी, ये भी आपकी एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन होगी। तो हर प्लेस पर एंगल ऑफ जो डिक्लाइनेशन होती है वो अलग अलग होती है, हर एक प्लेस पर, जैसे दिल्ली की कुछ और है, मुंबई की कुछ और है, हर एक जगह की जो अपनी अपनी जो है अलग अलग एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन है, ये बात आपको समझ में आ रही है। आप और जैसे जैसे आप देखो आप ऊपर जाओगे, जैसे मान लो आप जो है यहाँ पर चले गए, यहाँ पर देखो जैसे आप और थोड़ा सा आप ऊपर आ गए, तो देखो यहाँ पर एंगल थोड़ा सा और आपको बड़ा दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो ये थोड़ा सा इमेजिन मतलब ये थोड़ा सा विजुअलाइजेशन वाली सब सारी थोड़ी सी चीजें हैं, तो आप फिलहाल ऐसे समझो, बहुत ज्यादा आपको नहीं समझना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, जैसे आपका ये अर्थ हो गया है ना, सिंपल मैंने आपको कई बार बताया ये आपका अर्थ है। तो आप क्या मानते हो, आप मानते हो हाँ कि ठीक है हमारा नॉर्थ जो है वो यहाँ है और साउथ जो है वो यहाँ है, बट ऐसा एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, ठीक है। क्या होता है जब आप कंपास से, जब आप कंपास को आप लेकर के जब आप इसको जब मेजर करते हो, तो आपकी जो कंपास है ना वो देखो ऐसे होती है, वो आपकी कंपास जो है ऐसे होती है, तो आपको लगता है, आप क्या सोचते हो, है ना, कोलंबस ने यही सोचा होगा कि भाई हम तो सही जा रहे हैं, हम तो सही जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में सही जा रहे हैं,
हम नॉर्थ डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो जा किस डायरेक्शन में रहा था, वो जा रहा था मैग्नेटिक नॉर्थ डायरेक्शन में, है ना। उसे जाना चाहिए था ऐसे, आर्य दर्शन में उसे जाना चाहिए था ऐसे, बट वो जा रहा था ऐसे। क्लियर है इतनी बात? तो यही चीज शायद हो सकता उसकी, उससे क्या होगी, थोड़ी सी गलती भी होगी, फिलहाल जो भी मैटर हो। तो ये बताओ, आपको ये बात समझ में आई कि मैग्नेटिक जो आपका मतलब सॉरी जो एलिमेंट ऑफ जो अर्थ है, जो हमने अभी जो बताया क्या एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, ये चीज आपको समझ में आई कि क्या है एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन? सिंपल, जैसे दिल्ली के लिए जो बोला जाता है कि दिल्ली के लिए जो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन है वो है आपका, देख लेना आपको ये सारी 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 चीजें नोट्स में मिल जाएंगी, समझ लो केवल ये है 0.41 डिग्री ईस्ट। अच्छा, अब एक बात और है कि एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन को हमेशा ईस्ट और वेस्ट लगा करके बोला जाता है, हमेशा ईस्ट और वेस्ट लगा करके ही बोला जाता है, ये आप ध्यान रखोगे। सिमिलरली मुंबई के लिए जो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन है ना, वो है 0.58 डिग्री वेस्ट। क्या है? 0.58 डिग्री वेस्ट, ये इसका इस सिटी का क्या है एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन है। इतनी बात आपको समझ में आई? देखो इसको थोड़ा सा हम ऐसे समझते हैं, इस क्वेश्चन समझते हैं, ये क्वेश्चन देखो क्या बोला है, कह रहा है कि द डिक्लाइनेशन एट अ प्लेस इज 20 डिग्री वेस्ट। क्या है? डिक्लाइनेशन एंगल दे दिया है। तो ठीक है, आपने कहा सर हमारे पास जो है ये हमारे पास होती है ये हमारी ज्योग्राफिक नॉर्थ होती है जिसको हम एनजी कहते हैं, ये हमारा है ज्योग्राफिक साउथ, ठीक है, जिसको हम एस एस जी कहते हैं, ठीक है एस जी कहते हैं। अच्छा सिमिलरली मेरे पास क्या होता है, मेरे पास फिर एक मैग्नेटिक नॉर्थ होता है, ये कुछ ऐसा, ये हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ होता है ना। तो जिस पॉइंट पर देखो, तो अब क्या कह रहा है कि जो एंगल है वो कितना है 20 डिग्री वेस्ट है। अच्छा ये हमारा क्या होगा, ये हमारा नॉर्थ साउथ, और ये हमारा होता है क्या वेस्ट, और ये हमारा होता है क्या ईस्ट, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि कितना 20 डिग्री वेस्ट, 20 डिग्री वेस्ट यानी कि जो इन डिक्लाइनेशन एंगल बन रहा है, तो देखो कितना बन रहा है, वो बन रहा है 20 डिग्री वेस्ट, यानी कि ये आपका कितना है, ये आपका 20 डिग्री देखो वेस्ट है, 20 डिग्री वेस्ट की तरफ। ओके अच्छा, फिर कह रहा है कि इन वॉट डायरेक्शन शुड अ शिप बी स्टीयर्ड सो दैट इट रीचेज ज्योग्राफिक नॉर्थ ईस्ट। ज्योग्राफिक नॉर्थ ईस्ट, देखो ज्योग्राफिक नॉर्थ ईस्ट देखो कहाँ होगा, ज्योग्राफिक नॉर्थ ईस्ट कुछ ऐसे होगा, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि आखिर हम इस जहाज को, इस शिप को कितने एंगल पर मोड़े, कितने एंगल पर मोड़े कि ये जो अब जो है हमें जो है एग्जैक्टली हमें ज्योग्राफिक नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हम चले जाएं, ज्योग्राफिक नॉर्थ ईस्ट। अब ज्योग्राफिक अगर देखो नॉर्थ ईस्ट बोलता है तो हम यानी कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच का मतलब कितना 45, यानी कि इन दोनों के बीच में जो एंगल होना चाहिए वो कितना है 45। तो देखो आपने कहा सर यहाँ पे हमारा जो एंगल है वो कितना है 20 डिग्री है, अरे वास्तव में। अब सेलर को देखो जो जो मतलब जो जो अच्छे सेलर होते होंगे वो तो ये समझ रहे होंगे कि हमारी ये जो नाव है ना, ये हमारी 20 डिग्री किसमें चल रही है, 20 डिग्री अगर हम ये ऐसे अगर हम नॉर्थ की तरफ अगर ये शो कर रहा है, तो जो अच्छे सेलर यानी कि जिनको अच्छा नॉलेज होता होगा डायरेक्शन का, वो ये समझ रहे होंगे कि नहीं, हम जो है हमारी जो डायरेक्शन है वो एग्जैक्टली नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं है, हम एग्जैक्टली नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं चल रहे हैं, हम उससे 20 डिग्री क्या है थोड़े से बेंड है। देखो अगर 1 डिग्री का भी फर्क आता है ना, तो हजारों किलोमीटर का जो है वो डिस्टेंसेस बढ़ जाती है, समझ रहे हो, बहुत बहुत जो है किलोमीटर की डिस्टेंसेस क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं, तो सोचो है ना। तो इसी वजह से तो मतलब कहते हैं ना कि जाना था जापान पहुंच गया चीन, कहीं ना वो लगाना सुने ना, तो समथिंग इसी से शायद, मेरे ख्याल से शायद मतलब इसी से कुछ इंस्पिरेशन लेकर के शायद बनाया गया होगा, ठीक है, जाना था जापान पहुंच गया चीन समझ गया ना, ठीक है, तो शायद वही वाला गाना है। तो आरी बस में यानी कि ये 20 डिग्री जो है देखो डिक्लाइन है, तो 20 डिग्री वेस्ट की तरफ, बट कह रहा है कि इन इन वॉट डायरेक्शन शुड अ शिप बी स्टीयर्ड सो दैट इट रीचेज ज्योग्राफिक नॉर्थ ईस्ट। ज्योग्राफिक नॉर्थ ईस्ट में जाना है, तो देखो ज्योग्राफिक नॉर्थ ईस्ट में जाने का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक कितना 45 डिग्री, तो अब ऑलरेडी पहले से ये कितना है, पहले से ये 20 डिग्री है, पहले से ये 20 डिग्री है, और अब इसको कितना मोड़ना पड़ेगा, तो 20 प्लस 45, 20 प्लस 45 दैट इज 65 डिग्री। आई बात समझ में, क्लियर है ना। तो ये कहानी होती है, जैसे बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं हॉलीवुड की, जैसे आप पायरेट्स ऑफ कैरेबियन देखो है ना, तो काफी अच्छी अच्छी मूवीज हैं जो आप समझ सकते हो, वो पूरा का पूरा जो है वो पूरी पूरी मूवी भी जो है वो शिप के बेसिस पर है, ठीक है।
तो काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ हैं, आप जाकर के देखो तो आपको समझ में आएगा। लोग पहले जो है जो मैप लेकर के चलते थे, वो फिर कंपास से ऐसे मिलाते थे, है ना, वो कहते थे कि अच्छा इस डायरेक्शन में, तो हमें हमें जो है इस डायरेक्शन में तो हम चल रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा अपने डायरेक्शन को ऐसे चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मतलब समझ रहे हो ना, इसी डिक्लाइनेशन की वजह से, है ना। तो ये चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है, जो आपकी जो मैग्नेटिक पोल है ना, इसकी वजह से हमें अपना एंगल भी जो है वो चेंज करना पड़ रहा है। आरी बात समझ में थोड़ी बहुत, चलो बात सब आपको आ रही समझ में, हम ये नहीं कह रहे हैं आपको पूरा समझ में आ रहा है, लेकिन बेसिक आप समझ पा रहे हो कि हाँ मतलब जो है एग्जैक्टली क्या चीज़ होती हैं। ठीक है, पहले गूगल मैप नहीं होते थे कि ये गूगल मैप, हेलो गूगल, ये वो टर्न लेफ्ट टर्न राइट, ये वो, ऐसा कुछ नहीं। सारा का सारा बेस्ड हमारा होता था इसी कंपास पर। ठीक है, यहाँ पे कंपास होता था, यहाँ पे हमारे पास एक नीडल होता था जो कि एक नॉर्थ डायरेक्शन शो करता था, है ना, ये हमारा नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन शो करता था और साउथ पोल साउथ डायरेक्शन शो करता था, तो बस इसके बेसिस पर। और उनके पास एक मैप होता था, उस मैप के बेसिस पर वो हर एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे, वो ट्रैवल करते थे, जो भी हमारे सेलर्स होते थे वो ट्रैवल करते थे। ठीक है, आ रही बात सुनिए, ये सारी चीज़ें होती थी। तो फिलहाल जो है हो गया थोड़ा सा टाइम ज़्यादा और सुबह भी हो गई है, बच्चों के आने का टाइम हो गया है, तो इसको हम रखते हैं यहीं पर, और अगले जस्ट वीडियो में हम इसको, इसका जो हमारा जो दो पार्ट बचा है, हम उस चीज़ को भी क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ओके, है ना, तो थोड़ा सा आप समझो, थोड़ा सा फील करो, है ना। आपको ये चीज़ें मतलब मेरे ख्याल से देखो, मेरे को मतलब मैं जैसे आपको बता सकता था, ठीक है ना, जिस तरीके से मैं आपको बता सकता था मैंने आपको बताया, कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ये आपको एक नई चीज़ पता चली कि अच्छा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल भी होता है। अभी तक तो आपको केवल जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, आपको केवल जियोग्राफिक नॉर्थ पोल ही पता था, बट ऐसा होता है ना, रीज़न यही है। ठीक है, आप अगर रेगिस्तान में जाओ, अगर भूल जाओ तो भूलने का रीज़न यही है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता होगा कि आपको जो है वो इतने डिग्री अगर है, समझ रहे हो ये चीज़, ठीक है ना। तो ये है, नाउ हम बात करेंगे अगले टॉपिक में, एंगल ऑफ डिप की बात करेंगे, और हमारा एक और जो टॉपिक बचा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, ये जो मैग्नेटिक अर्थ का जो हमारा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हम उसकी बात कर लेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो, ठीक है, और इसको जल्दी हम इसको भी कवर कर लेंगे, बस इसके आपको नोट्स जो हैं वो मिल जाएंगे, है ना। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और अपना आप ख्याल रखो।